हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरकार व टोल प्रशासन द्वारा यदि पशु एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं करवाई तो टोल पर ही रख कर करवाया जाएगा उपचार। आखिर कब तक निजी वाहन के सहारे बचाया जाएगा बेजुबान पशुओं का जीवन? पोसालिया फोर लाइन हाईवे पर खंद्रा बाईपास पर अज्ञात वाहन की टक्कर से नंदी गंभीर रूप से घायल हुआ। ग्रामीणों ने बताया ये करीब दो दिन से इसी हालत में सड़क किनारे गड्ढे में पड़ा हुआ है। पशु एम्बुलेंस व्यवस्था नहीं है, ऐसे में कार्यकर्ताओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अध्यक्ष मंगल कुमार मीना ने बताया सवेरे 7:30 बजे से हो रहा है वाहन का इंतजार। साथ ही उन्होंने अपने तीखे तेवर के साथ बताया कि यदि समय रहते पशु एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हुई है तो टोल पर ही रख कर करवाया जाएगा बेजुबान पशुओं का उपचार। आखिर कब तक किराए के वाहन से घायल पशुओं को गौशाला पहुंचाकर करवाते रहेंगे उपचार? आखिर टोल प्रशासन की मंशा क्या है? हमें बताएं, पशु एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाने में 7 वर्ष बीता दिए फिर भी पशु एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाए। सरकार और टोल के पास खजाने खाली हो गए हैं। आखिर क्यों नहीं हो पा रही है पशु एम्बुलेंस की व्यवस्था? ये जिले के लिए नहीं प्रदेश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार और प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पशु सड़कों पर घंटों घायल अवस्था में पड़े रहते हैं तो पशुओं की जानकारी नहीं मिलने पर वह कई दिनों तक गड्ढे में पड़े रहते हैं और अंत में काल का ग्रास बन जाते हैं। पशु एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, अंत में 9 बजे बाद किराए के घायल वाहन से घायल नंदी को परलाई पांजरा पोल गौशाला पहुंचाया गया जहां उसका उपचार शुरू किया जाएगा। इस दौरान हिमांशु कुमार, छगन रावल, टोल कर्मी सहित गौ भक्त मौजूद रहे। जागरूक टीवी की पोसाले से कल्पना मालिक की रिपोर्ट।